54 साल बाद मिल ही गया बरेली का झुमका। बरेली के बाजार में गिर गया था झुमका। आधे दशक से बरेली वाले तलाश रहे थे अपना झुमका। जी हाँ, बरेली के लोगों को जिस झुमके की तलाश पिछले 54 सालों से थी, आखिरकार वो मिल ही गया। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। और जो झुमका बरेली को मिला है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। ये झुमका 200 किलोग्राम का है और ये बरेली में 14 फीट ऊंचे एक खंभे पर लगाया गया है, जिसे देखने के लिए अब लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है इस झुमके में, हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का बरेली जिला उस समय सुर्खियों में आया जब 1966 में एक मूवी आई, मेरा साया। इस फिल्म में एक गाना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और इसे दिवंगत अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया था। तब से लेकर आज तक ये गाना लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है और लोग इस झुमके की तलाश करते रहे। लेकिन बरेली विकास प्राधिकरण ने शहर के नेशनल हाईवे 24 पर इस झुमके को लगा दिया है और इसे नाम दिया है जीरो पॉइंट। एक पहचान है झुमका, और आज इस झुमका तिराहे के जो माननीय मंत्री जी ने लोकार्पण किया है, इसे बरेली को एक पहचान मिली है और एक ऐसी जगह पर है जहां से जो दिल्ली से आने जाने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से एक बरेली की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम लोगों ने एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। अब कितनी दिक्कतें आई शुरुआती दौर से, पहले 2015 में शुरुआत हुई, उसके बाद जन सहयोग से इन चीज़ों को आपने आगे बढ़ाया, किस तरीके से मोटिवेट किया अपने अफसरों को साथ में? इसमें निश्चित रूप से बरेली विकास प्राधिकरण में जो अभी वर्तमान वीसी हैं दिव्या मित्तल जी का बहुत बड़ा योगदान है, और ये डॉक्टर केशव जो रोहिलखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उन्होंने मेरे अनुरोध पर एग्री किया कि उसको जन सहयोग से बनाएंगे। तो बहुत दिनों से लंबित प्रोजेक्ट को एक दिशा मिली और आज मूर्त रूप में सबके सामने है। शहर में झुमका लगाने की पहली पहल 90 के दशक में हुई थी। तब बीडीए ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से दिल्ली बरेली मार्ग 24 पर झुमका तिराहा की मांग की थी, लेकिन तब देखा गया सपना अब साकार हुआ है। 2 क्विंटल के झुमके को बनाने में पीतल और तांबे का इस्तेमाल किया गया है और गुड़गांव के कलाकार ने इसे तैयार किया है। बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि बरेली को उसकी पहचान मिली है। लोगों को और खासतौर से प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद, एक अच्छा प्रयास किया है। और वास्तव में एक बरेली की पहचान बीते लंबे वर्षों से जिस बात को लेकर पूरे देश में चल रही थी उसको एक मूर्त रूप देने का काम किया है। इसके आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे लगता है ये ऐसी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती रहेगी और बरेली की पहचान और अच्छे स्तर से आगे बढ़ती रहेगी। दिल्ली चुनाव है, मंत्री जी उसको कुछ कहना चाहिए। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर बरेली शहर के प्रवेश मार्ग पर स्थित पारसखेड़ा चौराहे पर शनिवार को झुमका स्थापित किया गया। साथ ही उद्घाटन के दौरान यहाँ आए सभी अतिथियों को प्रतीक स्वरूप एक झुमका उपहार में दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि झुमका करीब 200 मीटर दूर से लोगों को नजर आएगा, साथ ही इसके आसपास 3 सुरमेदानी को भी सजाया गया है। बता दें कि बरेली वैसे भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है और उसके बाद अब ये झुमका तिराहा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। इस झुमके की तस्वीर को लोग अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं और लिखा है कि बरेली को उसका गिरा हुआ झुमका मिल गया। बरेली से सुनील सक्सेना की रिपोर्ट।